हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस विथ आंसर्स इन हिंदी लैंग्वेज। और आज का जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर ना हो करके जीके जीएस क्वेश्चंस रहेंगे, मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार रिपीट किए गए हैं, एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप एसएससी सीजीएल यानी ग्रेजुएशन लेवल की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको ये जो क्वेश्चंस हैं सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आगे आपको बताती जाऊँगी। सो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जीवाणु रोधी है? कौन सी धातु है? सो इसका आंसर होगा तांबा यानी कॉपर। तांबा जो धातु है वो जीवाणु रोधी धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम जो होता है इसको किस में रखा जाता है? तो आंसर है मिट्टी के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में डाल करके रखा जाता है, डायरेक्ट ऐसे ओपन नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? भारत देश में इसका आंसर होगा गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन है? संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, हमारे देश में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? और इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन है वो वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहते हैं? कौन सा राज्य है? आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है, स्टेट है, इसे चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। सो इसका आंसर होगा हिरोशिमा पर। सबसे पहला जो परमाणु बम है वो हिरोशिमा पर गिरा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? जो सुनामी आती है ये किस वजह से आती है, इसका मेन रीज़न क्या है? तो इसका आंसर होगा समुद्री सतह पर भूकंप आने से। जो समुद्री सतह है इस पर जब भूकंप आता है तो सुनामी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा लखनऊ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो शहर है महाराष्ट्र में, ये किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? जो पेनिसिलिन है ये किससे प्राप्त की जाती है? आंसर होगा फफूंद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? आंसर इसका होगा फुटबॉल। जो नेहरू ट्रॉफी है ये फुटबॉल गेम से संबंधित है। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज किसने की थी? जैसे भारत की खोज हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में, अमेरिका की खोज आंसर है कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी और इंडिया की खोज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? आंसर होगा
केरल। जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है ये स्टार्टिंग यानी शुरुआत इसकी केरल राज्य से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो की रोकथाम के लिए सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, सबसे पहली वैक्सीन, और इसका आंसर होगा जोनास शाल्क ने सबसे पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई थी, सबसे पहली, ठीक है, पोलियो की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था, दीन ए इलाही जो अकबर के द्वारा लिखी गई है और इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, यानी पूरा जो विश्व है वो एक साथ भाईचारे के साथ रहना, विश्व बंधुत्व। भारत का नाम भारतवर्ष यह किस अभिलेख में मिलता है, भारतवर्ष, इसका आंसर होगा हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन किया गया है, और इसका आंसर होगा वारवी शिलालेख में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कबीरदास जी किस संत के शिष्य थे, जो कबीरदास जी थे वो किस संत के शिष्य थे, आंसर रामानंद, कबीरदास जी रामानंद संत जो थे उनके शिष्य थे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। किस साल भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, बाद में दिल्ली हुई, तो ये कब स्थानांतरित की गई, 1911 में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस उपन्यास से लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी टाइम इसको रिपीट किया गया है, आंसर होगा आनंद मठ। वंदे जो राष्ट्रीय गीत है भारत का वो आनंद मठ से लिया गया है। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, आंसर होगा माउंट वेटन योजना। भारत पाकिस्तान का विभाजन माउंट वेटन योजना के तहत हुआ था, नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जामिनेशन है उन सभी एग्जामिनेशन से ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं। तो आप किसी भी ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक SSC CGL है, रेलवे में भी ग्रेजुएशन लेवल का रहता है, बैंकिंग में रहता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये UPSC एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। ओके, सो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।